क्या आप गुंडों और बदमाशों के लिए कुछ कहना चाहती हैं? गुंडों और बदमाशों से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि कुछ भी करने से पहले वो 100 बार डरे, क्योंकि महिला पुलिस थाने की SHO 24 घंटा ड्यूटी पर रहती है। अब जो समझदार है वो समझ लो, वरना हम तो यहाँ बैठे हैं ऐसे लोगों को समझाने के लिए। वाह करिश्मा मैडम, क्या डायलॉग मारा है। मैम एक स्टिल हो जाए इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। जी बिल्कुल हो जाए, चलिए। रेडी मैम? रेडी मैम। हाँ हम रेडी। ना ना जी, एक सेकेंड। ये क्या? ये तो तुम पे जचेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा सुनो, हम ना तुम्हें बाद में फोन करते, घर जाके आराम से बात करेंगे, ठीक है? मासी को प्रणाम कहना, बोलना आके मिलेंगे कभी, ठीक है? अच्छा हाँ। कितनी बात करती है क्या? अब हमने क्या किया? नहीं नहीं, आप तो कभी कुछ करती ही नहीं है। आप जाके काम कीजिए ना, रख फोन पे जो बकैती करती रहती है। जी रेडी। मैम रहने दीजिए, आप बैटरी खत्म हो गई। अब आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी से फोटो खींच के भेज दीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जल्दी चलिए ना। अरे मैडम हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत दिक्कत में, बहुत परेशान हैं। बैठिए 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 बैठिए। हाँ हाँ पानी लेंगे आप? नहीं चाय नहीं। लेंगे चाय। बच्चों चॉकलेट लोगे? लो ना। अरे समोसे मंगाओ, समोसे मंगाओ, इनके वहाँ हमें भी खाने को मिल जाएंगे। बिल्लो आप बताइए क्या हुआ, बताइए ना। मैडम हम बहुत गरीब इंसान है। मैडम गरीबी की प्रॉब्लम भारत में बहुत कॉमन है, इस पे कंप्लेन नहीं फाइल हो सकती। नहीं नहीं नहीं, मैडम हम ये कह रहे थे कि हमारा नाम राजकुमार है। जी मैं संतोष। हमारा नाम चीता चतुर्वेदी। ये पुष्पा जी। और बाहर जो है ना उसका नाम बदनाम है, बाल वाले का नाम चीते। मैडम हम रेलवे में लेबर थे, बहुत सालों से बेरोजगार है। हमारी पत्नी है नीलम, और ये हमारी बच्चियां हैं अनु राधा। मैडम ये हमारी बड़की वाली बच्ची जो है ना बहुत अच्छा गाती है। हाँ मैडम जी, इसके गले में तो सरस्वती बसती है, इतना अच्छा गाती है कि जब लोग सुनते हैं ना तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैडम गाना सुनने के बाद आने जाने वाले खुशी से जो भी देते हैं उसी से हमारे घर का खाना चलता है मैडम। पर पिछले कुछ दिनों से ना मैडम जी लोगों से ये भी नहीं देखा जा रहा है। अरे बताइए ना बैठे कहाँ हैं? हाँ, हाँ, मैडम जी देखिए, जब भी ये गाती है तो भीड़ में से कोई ये पर्चा फेंक के चला जाता है। मैडम जी ये में लिखा है, मैडम अगर अपनी बेटी से गवाओगे तो बड़ा पछताओगे। अब आप ही बताइए मैडम जी, अगर हमारी बिटिया ने गाना बंद कर दिया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, हम तो भूखे ना मर जाएंगे। करिश्मा मैडम का बहुत नाम सुना है, सुना है हम जैसे गरीब लाचार लोगों को बहुत जल्दी इंसाफ दिलवा देती है। अच्छा ऐसा सुना है? सही सुना है पुष्पा जी। समझो कि हो गया, हम भी देखते हैं कौन है जो तुमको धमका रहा है, कौन है जिसका अपनी जिंदगी से संबंध खराब हो गया है, कौन है जो हमारे एरिया में घुस के गुंडागर्दी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हार जाके जीप में बैठे हम आते हैं। हाँ धन्यवाद। चलिए चलिए चलो बच्चे। Yeah.
सॉरी, माफ कर दो मैडम। माफ कर दो मैडम, माफ कर दो मैडम। कश्ती की अहमियत पानी में होती है करिश्मा सिंह, पानी के बाहर नहीं। टीम वर्क, अगर टीम के साथ मिलकर चलेंगी तो मकसद से दो कदम आगे रहेंगी, समझी? टीम वर्क। मां तुम दोनों मर्द हो के चूरन हो, एक बच्ची मिली है तुमको तंग करने के लिए। हाँ अरे अरे नहीं मैडम, हम तो एक मामूली से दुकानदार हैं, जो भी किया मजबूरी में किया। कैसी मजबूरी मैडम? हम तो पिछली गली के दुकानदार हैं, लेकिन जब से इस बच्ची ने यहाँ गाना गाना शुरू किया है, लोगों की भीड़ इसी गली में जमा होने लगी है। यहाँ के दुकानदारों का धंधा चमक गया, लेकिन उस गली के दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया मैडम, जीरो हो चुका है बिल्कुल, एक भी ग्राहक नहीं आता। अम्मा एक बच्ची के गाना गाने से? और नहीं तो क्या मैडम, उस बच्ची की आवाज में जादू है, जादू। दूर दूर से लोग उसे यहाँ सुनने आते हैं। मरादा तुम कितना बढ़िया गाती हो, कितना सुरीला आवाज है तुम्हारा। अब तुम गाओ, तुम्हें जब जहां जैसे मन करे तुम गाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हम इस मार्केट को ना अच्छे से धमका दिए, मतलब अपने तरीके से समझा दिए, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी बेटी कितना अच्छा गाती है, आप इसके टैलेंट को और आगे लेके जाइए ना, कुछ बड़ा सोचिए इसके लिए, खोलिए आसमान इसके हुनर की उड़ान के लिए, देखिए फिर कैसा नाम रोशन करती है पूरी दुनिया का। जी मैडम जी, पर हम तो गरीब आदमी हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा का 70 के जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट बात कर रहे हैं आप। आजकल अमीर गरीब कुछ नहीं होता, आजकल हुनर देखते हैं, और हुनर दिखाने के लिए ना हजार तरीका है। अम्मा हमारे लखनऊ में कंपटीशन होने वाला है, वो म्यूजिक शो लखनऊ आइडल, वहां इसका ऑडिशन कराइए। अब देखिएगा ये पक्का जीतेगी, और देखिए फिर कैसे देश का नाम रोशन करती है ये। और हाँ आप पैसों का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम है ना, हम खर्चा संभाल लेंगे। अच्छा सुनो, तुम कंपटीशन में भाग लोगी? हाँ ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात कर दी तुमने, हम करिश्मा कोई बात बोले और ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल होगा और तुम ही जीतोगी। ये बहुत अच्छा है, अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम्हारे इतने पके हुए सधे हुए सुर हैं, एक बात बताओ तुमने क्लासिकल की ट्रेनिंग कहाँ से ली? अरे मैडम ये कहाँ सीखेगी मैडम, पहले हम रास्ते गलियों में गाते थे, घर चलता था, पर अब सरस्वती माँ की इतनी कृपा हो गई है कि ये छोटा सा मंच तैयार किया है, वही एक परफॉर्म करती है और घर का गुजारा वैसे ही चलता है। ये दोनों सगी बहनें हैं? हाँ हाँ मैडम बिल्कुल सगी बहनें हैं। काहे नहीं लगती नहीं है, कद काठी में, शक्ल सूरत में, सब में बहुत अलग अलग है, कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये दोनों सगी बहन है। अरे कहाँ मैडम जी, ये राधा जो है ना ननिहाल पर गई है, वहाँ सब ऐसे ही दिखते हैं। अच्छा अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? नहीं पढ़ते हैं, सेकेंड क्लास के बाद स्कूल गए को नहीं। क्यों? वो क्या है? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि दूसरी क्लास तक कौन से स्कूल में थी? स्कूल का नाम याद नहीं है। आपने इस बच्ची को पढ़ने की जगह सीधा काम पर लगा दिया, ताकि आपकी जिम्मेदारियां ये छोटी सी बच्ची उठाए। नहीं नहीं मैडम जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम काहे इसे काम पे लगाएंगे? मैडम सर एक मिनट,
छोड़िए ना मैडम सर, आप काहे पीछे पड़ी हैं? पेट का भूख इंसान से जो कराए वो कम पड़ता है। कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपना बेटी पर ऐसा जिम्मेदारी डालेगा, बताओ। वैसे मैडम सर, करिश्मा जी सही कह रही है, गरीब परिवार लगता है, कमाई का जो जरिया मिला अपना लिया, सब समय का खेल है। नहीं, आप लोग बात समझ नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हम म्यूजिक का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इस बच्ची ने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है। अरे मैडम सर, आजकल इंटरनेट बाबा है ना, क्या ज्ञान नहीं मिलता है बताइए, वहाँ पे बच्ची ने भी वहीं से सीखा होगा ना। हो सकता है। ठीक है, अगर एक बार के लिए हम ये बात मान भी लें तो भी हर चीज का एक तालमेल होता है। जरा देखिए, क्या किसी भी एंगल से ये बच्ची इस परिवार से मिलती जुलती लगती है? मैडम सर, आप भी क्या बात कर रही हैं? ये पुष्पा जी, इनको ले लो, इनका लल्ला, उसका हाव भाव स्वभाव चलना कुछ भी पुष्पा जी से नहीं मिलता। हा? हाँ, फिर भी है तो माँ बेटे ही ना। कभी डाउट किए कि अस्पताल में बच्चे बदल गए होंगे या लल्ला चोरी का माल है? नहीं ना, हमेशा ये माना है कि लल्ला इन्हीं का ही बेटा है और यही हमारी सासू माँ है। अरे है, है, हम भी तो यही कह रहे हैं। हाँ है, माना हमने यही। अम्मा, भगवान से भी तो हो जाता होगा ना टेक्निकल मिस्टेक कभी कभी। मिस्टेक तो हमसे हुआ है उस दिन, जिस दिन हम हमारे लल्ला के साथ आपको देखने आपके घर आए थे और आपके लिए हाँ कह गए थे। अरे, करिश्मा मैडम के अखबार में फोटो छपी है। महिला पुलिस थाने की एक और दिल को छू लेने वाली मानवीय मिसाल, एसएचओ करिश्मा सिंह ने गरीब परिवार की एक प्रतिभाशाली गायिका को लखनऊ आइडियल तक पहुंचाने का उठाया बीड़ा। इससे ना एक बात तो तय है। क्या तय है संतु जी? यही कि मैं जिससे भी शादी करूंगी ना, उसमें टैलेंट तो जरूर होना चाहिए। इसका पता कर। क्या बात कर रही है संतु जी, टैलेंट का बात है तो आप इधर कभी देखी नहीं हमारे अंदर, मतलब एकदम कूट कूट कैसे टैलेंट भरा हुआ है। कभी कभी तो हम खुद ही एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना टैलेंट का आखिर में करेंगे क्या हम। अबे चल, आया बड़ा टैलेंट वाला। कौन सा टैलेंट है तेरे अंदर? बाबू यार, तुम हमसे बतियाओ मत यार, मत बतियाओ तुम हमसे। और हमारे अंदर टैलेंट है इस बात का तुम्हारे पेट में सैठन कहां उठ रहा है? क्योंकि असली टैलेंट इधर है बेटा। क्या हंस क्या रहा है? गलत फहमी पालने को ना टैलेंट नहीं कहते बाबू, इसको बीमारी कहते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर खोज के ना पहला फुर्सत में दिखाओ तुम। अच्छा हाँ। और ऐसी बड़ी बड़ी छोड़ने को भी टैलेंट नहीं कहते, इसको फेंकना कहते हैं। अमर तुम दोनों चुप करो, तुम दोनों को लगता है ना कि तुम दोनों में कूट कूट के भरा है टैलेंट। हम तय करेंगे कि तुम में से कौन कितना टैलेंटेड है। पुष्पा जी, हम क्यों तय करेंगे, पब्लिक को डिसाइड करने दो कि कौन किससे ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब कि यहाँ मार्केट में एक दूसरे के सामने आएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे, पब्लिक डिसाइड करेगी कौन किससे टैलेंटेड है। 5 मिनट के अंदर जो ज्यादा पैसे कमाएगा वो विनर। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। हम जानवर सबका मिमिक्री करेंगे और मैं डांस कर लूंगा, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं संतोष जी। सुनो सुनो सुनो, अब होगी टैलेंट की बौछार, अपने खुले पैसे निकाल के रखो। आराम से बैठिए आप लोग, इसको उतना भाव देने का जरूरत नहीं है। हमारा हाथी देखिए आप, हाथी। मस्ती मजाक अपनी जगह है चीता चतुर्वेदी, लेकिन वर्दी में इस तरह की बदतमीजी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। मैडम सर, वो मैडम सर, हम तो मैडम सर, हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, हाजिर है बिल्लू द स्पाय। बिल्लू द स्पाय, बोलो क्या खबर लाए हो। मैडम सर, जैसे कि आप चाहती थी वैसे ही राजकुमार और राधा की सारी जानकारी मैंने इकट्ठा कर ली है और मेरी तकलीफ ये कहती है कि। तकलीफ? हाँ तकलीफ, वो छानबीन करके लाते हैं ना उसको। तफ्तीश? हाँ, मेरी तफ्तीश ये कहती है कि ये आपके लायक नहीं है। क्या ये केस? नहीं नहीं, ये लड़का आपके लायक नहीं है, आपके अम्मी जान ने भेजा है शादी के लिए, फटाक से मना कर दो। अरे कल सब्जी मंडी में फ्री के धनिये के लिए लड़ पड़ा था।
कैंसिल कैंसिल कर दो। राजकुमार और उसका परिवार, वो धनिया नहीं ले रहा था। बिल्लू, हाँ, राजकुमार और राधा के बारे में चौंकाने वाली खबर मिली है। लोग कहते हैं कि राजकुमार राधा को अपनी सगी बेटी बताता है, लेकिन वैसा है नहीं। वो कुछ साल पहले किसी रेलवे स्टेशन पे राजकुमार को राधा मिली, तब से राधा को राजकुमार अपनी सगी बेटी बताता है। राधा कई साल सड़कों पर ऐसे ही गाना गाकर राजकुमार के परिवार का खर्चा चला रही है। मतलब हमारा शक सही निकला, राधा राजकुमार की बेटी है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो राधा है कौन? ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मंजर हमने कई बार सड़कों पर, सिग्नल पर, मार्केट में देखे हैं। मन में हजार तरह के सवाल उठते हैं कि क्यों हाव भाव में, बोलचाल में अलग दिखने वाला बच्चा इस परिवार का हिस्सा है। सवाल सबके मन में उठते हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं। पूछना चाहिए, क्योंकि किसी एक का किया हुआ सवाल एक जिंदगी बचा सकता है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में हर 10 मिनट में एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। वजह कई सारी होती हैं, बच्चे का खो जाना, किडनैप हो जाना, या फिर अपने घर से भाग जाना। जो बच्चे खुशनसीब होते हैं वो किसी एनजीओ को मिल जाते हैं, या फिर कोई भला इंसान उसे अपने माँ बाप से मिलवा देता है। लेकिन जो बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं होते, वो हमें ढाबों पर, फैक्ट्रीज में या लोगों के घरों में काम करते हुए नजर आते हैं। दुखद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैडम सर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, आपने इतना अर्जेंसी में ये मीटिंग क्यों रखवाया है इस केस का डिस्कशन करने के लिए? आंखें खोलने के लिए करिश्मा सिंह, और समझ सके कि कहीं कहीं अनजाने में हम किसी गलत इंसान का साथ तो नहीं दे रहे। हम गलत इंसान का साथ दे रहे, मतलब वो गरीब बेचारा बेरोजगार राजकुमार, वो गलत इंसान है। मतलब अगर हम उसकी बच्ची के सपनों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो भी गलत हो गया है। इसीलिए हमने कहा अनजाने में। सुन तो लिया कीजिए करिश्मा सिंह, आप इस बच्ची के लिए जो कुछ भी कर रही हैं या करना चाहती हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं, इनफैक्ट काबिले तारीफ। लेकिन बात फिलहाल इस बच्ची की नहीं, बात है उसके पिता राजकुमार की। हमने ये पता लगाया है कि राजकुमार राधा का असली पिता नहीं है। संतोष, बहुत साल पहले राधा को किसी रेलवे स्टेशन से राजकुमार ने उठाया था, और तब से वो उसे अपनी बेटी बताकर अपने साथ रख रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? उसके सिंगिंग टैलेंट का फायदा उठाने के लिए। जो बात हम मार्केट में देख चुके हैं, वो राधा की कमाई से अपने खर्चे चला रहा है। मैडम सर, ये तो चाइल्ड लेबर भी हुआ ना। एग्जैक्टली, सोचिए, सोच कर देखिए कि कैसे ये बच्ची बिना किसी बेसिक क्लासिकल की ट्रेनिंग के भी इतना सधा हुआ गा सकती है। क्यों ये अपने परिवार से इतनी अलग दिखती है, इसकी भाषा अलग है, फिर भी राजकुमार इसे अपनी असली बेटी कहता है। मैडम सर, ये बात खुद राधा अपने मुंह से क्यों नहीं कहती? वो तो राजकुमार को ही अपना पिता बताती है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं करिश्मा सिंह, और ये जवाब हमें मिलेंगे उस बच्ची की काउंसलिंग से। तभी हम जान पाएंगे कि राधा अपने साथ ऐसा सब क्यों होने दे रही है। अगर ऐसा बात है तो फिर हमारे साथ चलिए, अभी दूध कभी गर्म पानी का पानी हो जाएगा। चलिए चलिए शुरू करें। अरे 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 बेटा, ये क्या कर रही है? आपने हमारे वास्ते इतना कुछ किया है, थाने में ट्रेनिंग करने का इंतजाम किया है, और आपने हमारे संगीत को इतना बढ़ावा दिया है। आप हमारे लिए भगवान हैं। कुछ नहीं किया है। अब तुम इतना टैलेंटेड हो, तुम्हारा टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए ना, जो आएगा भी तुम देखना। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। बाहर सब बात कर रहे हैं कि राजकुमार जी जो है, मतलब तुम्हारे पिताजी, वो तुम्हारे पिताजी नहीं है। वो सचमुच तुम्हारे पिताजी नहीं है का? सच बता। झूठ है, वही मेरे असली पिता से, और मैं उनकी बेटी। लोग जलते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैडम सर, अब तो आपको तसल्ली हो गया होगा।
और आपको पता भी चल गया होगा कि हम सही का सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार का आप पर नहीं पर बच्ची पर तो भरोसा होगा मैडम सर। बात सुनो, एक बात बताओ, जब तुम बातें करती हो तो तुम्हारे बोलने में थोड़ा सा राजस्थानी सुनाई देता है, लेकिन जब मम्मी पापा ऐसे बात करते हैं तब तो ऐसा नहीं सुनाई देता। ऐसा क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि हम थोड़े दिनों से ना इंटरनेट पे राजस्थानी संगीत सीख रहे हैं, इसलिए वैसे ही बोलने की आदत पड़ गई, लेकिन थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। बेटा बेटा तुम बैठो ना, तुम करो अपना रियाज। तो मैडम सर, अब तो आपको अच्छे से तसल्ली हो गया होगा। अब हमारा ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। हमने इस बच्ची को ना लखनऊ आइडल तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर लिया है, और इसको वहां तक पहुंचाने के लिए ना हम अपना प्राण फूंक देंगे। इसलिए मेहरबानी होगा मैडम सर अगर आप हमारे रास्ते में रुकावट ना बने तो।